सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होने वाला है हमारा, ये साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। यहाँ से आपके बहुत से नंबर कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है ये वीडियो आपको। ये यहाँ से लगभग मैं आपको 90 प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो 90 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है और अच्छे अंक लेकर आना है। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं लैमार्क, डार्विन, आवाबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक कौन है वो आपको बताना है। लैमार्क हैं, डार्विन हैं, आवाबा दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत साथी ऑप्शन नंबर शाह के साइड जा रहे हैं, जो हमारा हो जाएगा प्रामाणिकता जैव विकास के लिए। तो डार्विन ने भी दिया था दोस्तों, वो लैमार्क ने भी सिद्धांत दिया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर शाह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएँ हैं, समरूप या समवृत्त रचनाएं, समजात रचनाएं, आवाबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई वेरी गुड, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर शाह बता रहे हैं आवाबा दोनों, वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर कि प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। लैमार्क ने, डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या जगदीश चंद्र बोस ने। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई वो बताएंगे साथी कि जो प्राकृतिक चयनवाद है उसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। लैमार्क ने, डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या जगदीश चंद्र बसु ने। तो वेरी गुड, बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, डार्विन थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 4 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु या ये सभी। तो 4 का फटाफट से भाई सभी साथी जवाब देंगे कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में कौन कौन से घटक हैं, उनमें से जैविक घटनों को आपको बताना है। कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, जलवायु है या सभी है। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपघटक एवं अपरभोजी या ये सभी। लास्ट है मेरा ये सभी। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, 5 नंबर का भी भैया ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा हो जाएगा कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर मेरा, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या ये सभी। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या ये सभी, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे। तो वेरी गुड, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर द के साइड जा रहे हैं तो वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएँ देखी जा सकती हैं किस रूप में। घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज या हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर। घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर, चीता या ये सभी। तो बता दीजिए फटाफट से 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर द के साइड जा रहे हैं ये सभी, तो वो एकदम राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर द इट विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर दोस्तों। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया, जैव विकास को प्रमाणित किया जाता है जीवों की तुलनात्मक शारीरिक रचना द्वारा, शारीरिक क्रिया विज्ञान द्वारा, आनुवंशिकी द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा या आनुवंशिकी द्वारा या उपरोक्त सभी। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड,
बहुत शानदार। तो आठ नंबर का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो नौ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, कहा गया जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों को समीकरण है, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद, डार्विनवाद एवं वैलस का सिद्धांत, डार्विनवाद एवं डी ब्रीच का उत्परिवर्ती सिद्धांत, लैमार्कवाद एवं डी ब्रीच का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो नौ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे, नौ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी फटाफट से बताएंगे, वेरी गुड। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सा के साइड जा रहे हैं, डार्विनवाद एवं डी ब्रीच का परिवर्तन का सिद्धांत, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। दस नंबर क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, दस नंबर क्वेश्चन कहा गया, फिलोसॉफी जुजोलिक पुस्तक के लेखक हैं मेंडेल, लैमार्क, डार्विन या बीजमान। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, दस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फिलोसॉफी जुजोलिक पुस्तक के लेखक कौन है भैया, जुजोलिक पुस्तक के लेखक, तो वेरी गुड। जितने भी साथी भैया, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर द के साइड जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर द बीजमान, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर, लैमार्कवाद का आधार है जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, जनसंख्या गति या जीवन संघर्ष। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भैया मेरा, वो हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, क्या हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, डार्विन ने या हमारा डी ब्रीज ने या फिर मेंडल ने, तो किसने दिया था हमारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी 12 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो जितने भी आंसर दे रहे हैं साथी, ऑप्शन नंबर सी डी ब्रिज ने, वो एकदम राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का क्या कारण है, जीन परिवर्तन, जीन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। तो 13 नंबर का फटाफट से भाई सभी साथी जवाब देंगे, 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन परिवर्तन होगा, जीवन संघर्ष होगा, उद्विकास होगा या प्राकृतिक चयन होगा, तो वेरी गुड। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए की साइड जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए की साइड जा रहे हैं, जीन परिवर्तन, वो एकदम सही खेल रहे हैं, वो एकदम सही खेल रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या कब हुआ था, तो सन बताना है आपको 1935, 1936, 1835 एंड 1938 में। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। तो 14 नंबर का जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए की साइड जा रहे हैं, 1935 वो एकदम राइट हो जाएगा, 1935 में किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन कहा गया, खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो बताएंगे फटाफट से भाई, जो खनिज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के तल में यानी नीचे में, भूपर्पटी में मतलब पृथ्वी के नीचे, समुद्र में यानी कि समुद्र में अंदर, या उपरोक्त सभी, तो वेरी गुड। जितने भी साथी भाई ऑप्शन नंबर डा बता रहे हैं, उपरोक्त सभी, वो एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि खनिज लवण जमीन के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो भूपर्पटी का तल हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है, लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़ या खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डा रहे हैं, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़, वो एकदम राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डा को सर लॉक किया जाए। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया, बॉक्साइट किसका अयस्क है, सोडियम का, लोहे का, एल्युमिनियम का या फिर कॉपर का, या फिर कॉपर का।
बॉक्साइट किसका अयस्क है, फटाफट से भाई बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। ये तो भाई सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। चलिए भाई वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर हमारा सा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है, फेन फ्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्थापन या गुरुत्वीय पृथक्करण। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे फटाफट से, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर शाह के साइड जा रहे हैं, निस्थापन भाई वो सही खेल रहे हो, भाई सही खेल रहे हो, आपकी तैयारी चरम पर चल रही है, निस्थापन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि परावर्तनी भट्टी के भाग हैं अग्नि स्थान, भट्टी का तेल या चिमनी या ये सभी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए भाई 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार भाई खेल रहे हो जबरदस्त तरीके से, साथ ऑप्शन नंबर दा, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर दा दे रहे हैं वो एकदम राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, तो दोस्तों कहा गया है परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं टिन स्टोन यानी SnO2 को, या हमारा हो जाएगा गैलेना PbS को, या कॉपर पायराइड यानी कि CuFeH2O का, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो फटाफट से भाई 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डा के साइड जा रहे हैं वो एकदम राइट है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर की, धातुएं होती हैं उष्मा की, कुचालक, सुचालक, आ प्लस बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो भैया सभी को पता होगा, ये तो भैया सभी को पता होगा, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं सभी हमारी ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों 12 नंबर कि धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार पता, कठोरता, आघात वर्धनीयता या सभी, चमकदार सतह, कठोरता या आघात वर्धनीयता या सभी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई सभी छाती बताएंगे फटाफट से, धातुओं का भौतिक गुण कौन सा है। तो वेरी गुड, यह सभी भैया धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, चमकदार सतह भी, कठोरता भी, आघात वर्धनीयता भी, और ये सभी हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहा गया 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, आ प्लस बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आ और बा दोनों हो जाएगा, क्योंकि वयस्क के भैया ऑक्सीकृत अयस्क भी होते हैं और हाईलाइट अयस्क भी होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया हमारे खनिजों के रूप हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन या ये सभी। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, वेरी गुड बहुत शानदार। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर दा के साइड जा रहे हैं वो एकदम राइट खेल रहे हैं, एकदम राइट है भैया ऑप्शन नंबर दा, खनिज अधात्विक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं और खनिज ईंधन भी होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित शुद्धियों को कहते हैं अधात्री, जारण, निस्तापन या फिर अमलगम, क्या कहते हैं वो आपको बताना है, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। अधात्री कहते हैं, जारण कहते हैं, निस्तापन कहते हैं या अमलगम कहते हैं। तो वेरी गुड, 25 का भैया ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, ए को लॉक कर रहे हैं सर, बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन कहा गया 26 नंबर कि धातु निष्कर्षण की विधि है आसवन विधि, द्रवण विधि या हमारा हो जाएगा खरपरण विधि या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे कि धातु निष्कर्षण की कौन सी विधि है। तो वेरी गुड, बहुत शानदार, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डा के साइड जा रहे हैं ये सभी भैया धातु निष्कर्षण की विधियां होती हैं। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत लाना कि क्या इसमें से कोई ऐसी विधि है जो धातु निष्कर्षण की नहीं है, नहीं तो वो पूरी है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि पीतल में होते हैं
सी यू प्लस एस एन, सी यू व एन आई, सी यू व जेड एन या एम जी प्लस ए एल, एम जी प्लस ए एल। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे फटाफट से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे पीतल में क्या होता है, पीतल में क्या होता है। तो वेरी गुड, पीतल में क्या होता है भैया, पीतल में हमारा सी यू जेड एन होता है। क्या होता है, सी यू जेड एन होता है, ठीक है ना। क्लियर ना यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ओके, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कॉपर सल्फाइड का सूत्र है, कॉपर सल्फाइड का सूत्र क्या है, सी यू एफ एस टू या सी ओ टू, सी यू टू एस या सी यू टू ओ या फिर सी यू थ्री सी यू ओ एच का होल ट्राई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 28 नंबर का, 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, वेरी गुड, ये अभी क्वेश्चन आपने ऊपर किया है तो ऑप्शन नंबर आ हमारा एकदम राइट हो जाएगा, सी यू एफ ई एस टू। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ हैं, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, या ये सभी, या ये सभी। तो फटाफट से बताइए भैया, फटाफट से बताइए 29 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी गुड, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के यही सब लाभ थे भैया, क्या थे, ये सभी लाभ थे मेंडलीव की आवर्त सारणी। आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 30 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, ये भैया आईएमपी क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। कितने थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 15 थे। तो फटाफट से बताए ना, कितने, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 15 थे। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 7 थे, क्या थे, 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। अगला क्वेश्चन कहा गया मेरा 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बढ़ जाती है, घट जाती है, एक समान रहती है, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। तो ये तो भैया पता होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 9th और 10th में, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल, तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर दा के साइड जा रहे हैं, तो वेरी गुड। जो हमारा भैया होता है, जो धातु होती है, वो जब जो तत्व होते हैं, वो जब बाएं से दाएं चलते हैं तो 1 से 4 तक बढ़ते हैं, फिर 4 से घटने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 32 नंबर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए 32 का राइट आंसर। तो वेरी गुड, बहुत शानदार, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर द एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। अगला क्वेश्चन कहा गया 33 नंबर, किसी समूह में कॉपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती है और फिर सुचालकता बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है या धात्विक बढ़ता है या धात्विकता बढ़ती है। तो फटाफट से बताइए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, 33 का भैया ऑप्शन नंबर द हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्या होता है भाई, क्या होता है, धात्विकता बढ़ती है भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धात्विकता बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर द एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि, कौन सा है वो आपको पहचानना है, हाइलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया, इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, संवर्धना भिन्न गुणों वाले एक तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है। तो भाई फटाफट से बताइए 34 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 34 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 7 के साइड जा रहे हैं कि संवर्धना भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, वो एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का क्या मात्रक है, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या फिर सेकंड,
ये तो भाई सभी को पता होगा, सभी को पता होगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो होता है एम्पियर। बात कर ले यहाँ से कूलाम, तो कूलाम होता है आपके आवेश का, और ओल्ट की बात कर ले तो ओल्ट होता है आपका विद्युत धारा, सॉरी विभवांतर और विभव का मात्रक ओल्ट होता है, सेकंड होता है वो समय का होता। तो राइट आंसर मेरा एम्पियर होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, शुष्क सेल में किस पदार्थ का क्षण एनोड का कार्य करती है, कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम या फिर बोरान। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे भाई 36 का राइट आंसर, वेरी गुड। जो भाई शुष्क सेल में जो एनोड का कार्य करती है वो करती है भैया मेरी कार्बन की छड़। किसकी छड़ करती है दोस्तों, तो वो कार्बन की छड़ करती है। अगला क्वेश्चन है मेरा, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, सीसा संचालक सेल को, वोल्टियस सेल को, शुष्क सेल को या फिर डेनियल सेल को। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सीसा संचालक सेल को। तो भाई जितने भी साथी सीसा संचालक सेल आंसर दे रहे थे उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीसा संचालक सेल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहा गया, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या फिर आवेश। तो ये बताइए फटाफट से, जो भैया वोल्ट मीटर द्वारा होता है, वोल्ट मीटर द्वारा, तो हम लोग दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापते हैं, यानी V को नापते हैं दो बिंदुओं के बीच, ये एक बिंदु A, ये एक बिंदु B, इसके बीच के विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से नापेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 39 नंबर, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे दूरी ज्ञात करने में, समुद्र यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, पवन की दिशा ज्ञात करने में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से सभी साथी बताएंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने पुनर्जागरण पढ़ा है, तब आपको पता होगा कि जो यूरोप के देश, यूरोप के जो वैज्ञानिक थे, जो यूरोप के हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक चीज़ की खोज की थी जो होता था मेरे कुतुबनुमा की खोज की थी, जिससे क्या करते थे, दिशाएं पता करते थे। उस दिशा, उसमें था क्या, उसमें चुम्बक था, जिसको मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ से आंसर कौन सा राइट हो जाएगा भैया, यहाँ से आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, ठीक है ना। चलिए क्लियर ना यहाँ तक, ओके बढ़ते भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहा गया मेरा, चुंबक के दो गुण हैं, दैशिक उत्तर दक्षिण दिशा व बताने वाला गुण, लौह चुंबक पदार्थ को अपनी ओर खींचना, आवावा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे 40 नंबर का राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, यानी आवावा दोनों। तो चुंबक होता भाई वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में रुकेगा, आप लोग करके देख लेना, एक छड़ को चुंबक से धागे की सहायता से बांधकर उसको घुमा देना, वो अपने आप उत्तर और दक्षिण पे रुकेगा। और आपको पता है, बचपन से आप जानते आए कि चुंबक लोहे से बनी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता, यानी ऑप्शन नंबर आ दोनों राइट हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है मेरा कि चुंबकीय पदार्थों से चुंबकित किया जा सकता है, स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, आ प्लस बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताना 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथी ऑप्शन नंबर शाह के साइड जा रहे हैं, आ वा बा दोनों, वो एकदम राइट हो जाएगा, आ वा बा दोनों, यानी स्पर्श विधि द्वारा भी किया जाता है और विद्युत प्रवाह विधि द्वारा भी किया जाता है। आज का और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि चुंबक के प्रकार बताइए। तो चुंबक के दोस्तों कितने प्रकार हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, आवापला दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस लास्ट क्वेश्चन को बताइए कितना आंसर आ जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से, तो वेरी गुड।
जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सात के साइड जा रहे हैं वो एकदम राइट हो जाएगा, आ वा बा दोनों, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आ वा बा दोनों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के संग कर देना है शेयर। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।